हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर टू को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर वन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अपलोड कर दिया है और चैप्टर टू के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये कैसे मैं वीडियोज़ को बनाता हूँ ये बता दूँ कि इसमें जैसे जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं एक एक मार्क्स के, उस क्वेश्चन को मैं पहले डिस्कस करता हूँ पहली वाली पार्ट में, दूसरी वाली पार्ट में दो या तीन नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ और तीसरी वाली पार्ट जो होती है उसमें चार या पांच मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए। तो यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तैयारी अच्छा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि ऐसे ही सेशन मैं रेगुलर अरेंज करता रहूँ आपके लिए और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज एक एक मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल इज पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज 2, then the value of k is, तो k की वैल्यू क्या होगी? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यदि आपको आ रहा हो तो आप इसको अपने मन से ट्राई करें, फिर आंसर को मिलाएं और देखें कि आंसर यदि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। यदि आंसर में कहीं गलती होगी तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, सही होगा तो अच्छी बात यह है कि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है, लगभग आप एक मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं। फिर दो मार्क्स के क्वेश्चन और तीन मार्क्स के क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ये चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी और करनी है। जिनको नहीं आ रहा है ये चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास दिया है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज 2, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक रूट जो है वो 2 है, तो इस कंडीशन में बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चा ऐसा क्वेश्चन देखो, मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, तो आप यदि इन क्वेश्चनों को पढ़ लोगे तो निश्चित है कि एवरी ईयर ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, बस ये होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बदल देगा, इसकी वैल्यू बदल देगा, यही ना, लेकिन करने का मेथड तो सेम होगा। तो यदि आप ये चीज़ सीख पाते हो कि कैसे हो रहा है तो फायदा ये रहेगा कि इस साल भी जो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आएंगे आप बहुत आसानी से कर जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि जब कभी भी ऐसा रूट दिया रहे कि कहे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, तो इसका मतलब कि अगर एक्स के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे ना तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के है ना इक्वल टू जीरो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रखते हैं हम, क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 कर दिया प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस कंडीशन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 10 को उधर भेज दिया, k की वैल्यू क्या आ गई, -10, यानी k की वैल्यू -10 होनी चाहिए। आगे बात समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 मैं देता हूँ, आप फिर वीडियो को पॉज करिएगा और जरा चेक करिएगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना और सीखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इनेक होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में कोई बात नहीं, द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ रूट्स है ना आर फाइव एंड
एट आर फाइव एंड एट रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन हाँ, तो जीरो से आपको बताने हैं कि क्या क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा रेस्पेक्टिवली। द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताइए जिसका प्रोडक्ट और सम उसके रूट का पांच और आठ होगा। तो ये बताइए कि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट सम कैसे निकालते हैं, तो सम को लिखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है, सम दे दिया। देखिए लिखा है पहला, नहीं द प्रोडक्ट एंड द सम, तो सम कौन सा है, सम है एट, ठीक है। सम हो जाएगा एट, क्या दिया है प्रोडक्ट एंड द सम, ठीक है। तो पहला वाला प्रोडक्ट है तो पहला पांच हो जाएगा और सम मतलब ये आठ हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया, बड़ा उल्टा दिया लिख करके इसमें, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए आ गया, अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या दिया है, जो जो दिया है लिख लीजिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है फाइव। तो एक बात बताओ कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। देखो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला, एक तरीका है। यदि आपको सम ऑफ फ्रूट्स पता है तो यहाँ रख दो, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पता है तो यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट दे दिया है फाइव इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एट इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा ये चीज़, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कि यही गलती दिया, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना ना कि प्रोडक्ट और सम वाला क्या होना चाहिए, ठीक है। बुक में कुछ और दे दिया है, मैं बेसिकली मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी बुक्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन निकाल करके मैं देता हूं, तो ये आपके इक्वेशन बनती है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट क्या दिया और सम क्या दिया है, ठीक है ना। पहला वाला प्रोडक्ट है तो पहला वाला प्रोडक्ट हो गया, दूसरा वाला सम का है तो दूसरा वाला सम का, तो ये आपके आंसर बन जाएंगे, ये आपका आ गया। इसके बाद से ये तो क्वेश्चन हो गया कि यही आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल द सम ऑफ whose zeros ZEROES zeros is minus 5 and their product is 6, their product is 6। ऐसा ही क्वेश्चन है ना डिट्टो, इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको इस क्वेश्चन का कमेंट में इसका सॉल्यूशन बताना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने किया, आप उस तरह से इस क्वेश्चन को करके दिखाना मुझे। इसका आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है कि इफ, देखो ये सब क्वेश्चन पता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और आप पिछले 10 सालों का पेपर उठा के देख लीजिए, ये सारी चीजें वहां रिपीट की हैं सब। तो यदि आपको कुछ भी तैयार नहीं है, थोड़ा बहुत भी तैयार है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। रीजन कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दे रहा हूं जैसे कि एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न आपको बता दे रहा हूं। अगर ये पैटर्न समझ गए कि कैसे हो रहा है, तो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, आर द जीरोस है ना, ऑफ द पॉलीनोमियल फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू, देन द सम ऑफ
सम ऑफ देयर, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल प्रोकल्स इज क्वेश्चन मार्क. पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका बताइए. यदि हमारे पास ये कोई पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा, तो इनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल का मतलब उनके सम, यानी हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी. यही तो पूछा जा रहा है. बच्चा लोग बता देंगे ना. देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, अपने मन से नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा. देखिए, अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए कैसे करना है. इसको कह रहा है इसमें कि अल्फा और बीटा ये हैं, तो ये बताओ कि सम ऑफ अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा इसमें से निकाल सकते हैं कि नहीं. इसको सॉल्व करें, पांच दूनी के दस, हमें सात चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कर लें. सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें. देखिए कैसे निकालेंगे, है ना. या एक काम कर सकते हैं, एक और तरीका है कि हमको क्या चाहिए, इसके रूट चाहिए. तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है आप बताओ, इसमें से अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए. तो रखिए तो बच्चा क्या मिल जाएगा, बी. यानी देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो एक्स के जो आगे होता है ना वही बी होता है, और ए के आगे जो होता है वो, सॉरी, एक्स के आगे जो होता है वो ए होता है, और लास्ट में जो बचता है वो सी होता है. तो बच्चा यहां पर आप देखोगे तो एक्स के आगे क्या है, माइनस सेवन, तो वो बी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू क्या है, फाइव. तो यहां रखो तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस सेवन, ये माइनस सेवन यहां से आया और ये माइनस फार्मूले से, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है, फाइव. तो यहां फाइव रख दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेवन बाई फाइव. ठीक है ना. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए. अच्छा, सी की वैल्यू क्या है, ये लास्ट में वन टू जो दिख रहा है, तो ये टू हो गया, और ए की वैल्यू क्या है, फाइव. तब एक बात बताइए कि आपको ये प्लस बी की वैल्यू पता है, ये माइनस ए ए इंटू बी की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, और आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू. कहेंगे देयरफॉर वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चा लोग तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू वन बीटा प्लस वन इंटू अल्फा, ना अल्फा इंटू वन अल्फा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा. अब ध्यान से देखो, बीटा प्लस अल्फा का हो या अल्फा प्लस बीटा का, एक ही बात हुआ. इन सब की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, सेवन बाई फाइव. तो हमने यहाँ रख दिया सेवन बाई फाइव डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, टू बाई फाइव. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, सेवन बाई फाइव, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके उल्टा, है ना. तो टू बाई फाइव है तो फाइव बाई टू होके मल्टीप्लाई, फाइव से फाइव कट जाएगा, आंसर आ जाएगा सेवन बाई टू. यानी वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सेवन बाई टू. ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे निकाला जाता है. हर साल ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बस ये बदला रहेगा, ये बदला रहेगा, ये आपको समझना है ना. तो ये हो गया. अब ये बताएं कि अगर मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं तो आप सब कर देंगे, बताइए. अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही दे दूं तो क्या आप सब कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे आप इसका आंसर बताइएगा. ठीक है, हाँ. तो देखो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, then अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा. डिट्टो वही तरीका है, बस यहां पर एक्स स्क्वायर दिया है, बी वाला पार्ट नहीं दिया, तो आप उसको जीरो एक्स लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. अब यहां से आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, यहां रखना है, दोनों तरफ आपको इक्वल दिखा देना. आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे ऊपर मैंने निकाला, है ना, आप कर लोगे कि नहीं. चलो मैं इसको बता ही देता हूं, देखो कैसे करना है, वरना आप सब कंफ्यूजन में रहोगे. देखो
दे दिया कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो ये पॉलिनोमियल है, तो गिवन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स माइनस वन, या यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं इक्वल टू जीरो, या इतना ही, ये पॉलिनोमियल है। तो हमको अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, तो माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू जीरो है, तो जीरो बाई समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, बी के जगह पर मैं जीरो रखूंगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब मैं निकालता हूं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो ये होता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू माइनस वन दिया, देख लीजिए, तो माइनस वन अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिया तो वन ले लेंगे, तो इसका आ जाएगा माइनस वन। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चा लोग, हमें इसकी, तो अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू निकल चुकी है, जीरो आएगा। अब इसकी वैल्यू जरा निकालो, तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा ही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, जीरो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब जरा देख लो कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी जीरो है, और वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो हम कह सकते हैं हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। प्रूव हो गया कि नहीं, लिख देंगे प्रूव्ड, हो जाएगी ना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करना बच्चा लोग, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, है ना। आइए नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन को समझते हैं कि और किस किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, और किस किस तरीके का एग्जाम आंसर में आता है। तो अब जो नेक्स्ट तरीका है, जैसे कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है, वो क्या है, जरा सुनिएगा, रुकिए मैं आपको एक जरा होमवर्क दे दूं कि आप करोगे इसी बहाने तो अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, देन फाइंड the value of वन upon अल्फा प्लस वन upon बीटा। यह आपका होमवर्क है, आपको इसका भी आंसर क्या करना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में लिख देना है, आप इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस थ्री एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी, देन फाइंड the value of AB। आपको A into B की value बतानी है क्या होगी। तो अब एक बात बताओ कि वन जो है वो क्या है, आप अगर समझ में आ रहा है कैसे करना है तो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं हुई है कि नहीं, आ जाओ। अब देखो वन अगर इसका जीरोस है तो वन इसमें वैल्यू रखे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो रखता हूं गिवेन अकॉर्डिंग टू गिवेन। अगर यहां पर वन रख दूं तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस यहां पर है हमारे पास ए वाई, तो ए और यहां रख दूंगा वन प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो टू ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू आ गया। सिमिलरली क्या दिया है हमारे पास, इसमें भी अगर वैल्यू रखे तो वही होना चाहिए जीरो, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन
प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वन अगर इसका जीरोस है तो वन रखने पर जीरो हो जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि जो भी इसके रूट्स होते हैं या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना इस वेरिएबल वाई वाई की जगह पर तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये वन प्लस वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, टू प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू माइनस टू। देखिए बी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए इंटू बी की। देयरफोर द वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू और बी की वैल्यू है माइनस, तो ये टू से टू मर जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये वन बचेगा ना यहाँ पर तो माइनस वन बचेगा, तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, तो हमारे पास ए इंटू बी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास प्लस थ्री। तो ये आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, अब ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। वैसे एक साथ में एक और क्वेश्चन मैं दे ही देता हूं आपको कि आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बता देना, क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, नहीं आएगा घबराना नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में इन सबके आंसर बताने वाला हूं आपको। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ है ना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे अपने मेहनत कर रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस और पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चलो और लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए जरूरी है वो मैं अपलोड करता रहूं और आपका हेल्प हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।